हम सब मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं, ये न्यूटन का चौथा लॉ है। लोग कहते हैं कि सबके अंदर कोई यूनिक क्वालिटी होती है, इसको पहचानने का एक तरीका होता है। जब आप मुसीबत में फंसेंगे ना, तो वही काम कीजिएगा जो आपको सबसे अच्छा आता है। सामान्य घर वाले ही कांड करते हैं, क्योंकि कांड करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो कहीं नहीं मिलती। कांड करने के लिए जरूरत किसकी है? साहस की। कहां खरीदोगे? ठोकर लगा है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ठोकर नहीं लगेगा ना, जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती वो कभी मूरत नहीं बनता है। इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में मुसीबत आती है। जरूरी है शक्ति, कहता है इज्जत बहुत जरूरी है, क्या करोगे इज्जत का? शक्ति है, जो बेइज्जती करेगा तो लटका देंगे उल्टा। शक्ति चंद्रमा से तो कोई भी आंख मिला ले, सूरज से आंख मिलाने की हिम्मत सब में नहीं। दुनिया बहुत खराब है, उसी के संघर्ष की अहमियत समझती है जो कामयाब हुआ है। लाख संघर्ष करिए, अगर कामयाब नहीं होंगे तो कोई वैल्यू नहीं देगी दुनिया, कोई वैल्यू नहीं देगी। आपके संघर्ष की कीमत तभी लोग जानेंगे जब आप कितना भी मोटिवेशन सुन लो, कितना भी, अगर तुमने तपस्या नहीं की तो तुम अपने आप को बदल नहीं पाओगे। डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिएगा आप सफलता के रास्ते पे। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में, क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा तुम्हारे बाप ने तुमसे कह दिया कि तुमको अब खर्चा नहीं देंगे पढ़ाई का, तो तुम गाली देने लगोगे। तुम्हारी उम्र 20 साल है तो 19 साल उसने किया वो भूल जाओगे, तो तुम्हें उसका एहसान मानना है उस पिछले 19 साल का, क्योंकि अब तो तुम कमा सकते हो। अगर यही डिसीजन वो तुम्हारे एक साल पे लेता तो कहीं कूड़ा बेन रहे होते सड़क पर। अय्याशी करो, अपने बाप के पैसे भी मत करो, उसका एक एक पैसा काम में लगाओ। तुम लोगों को पता नहीं होगा यार कि तुम्हारे माँ बाप कैसे पैसा कमा के तुमको दे रहे हैं। दुनिया का सबसे चैलेंजिंग काम है पैसा। जाएगा विकट परिस्थिति, हम डगमगा नहीं सकते, और आप युवा हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। दाना डाल के ना कबूतर फंसाए देता, दाज नहीं। नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी। गजब सिस्टम है इस कंट्री का। अगर नौकरी लग गई तो क्या, ये कोई नौकरी थोड़ा, अच्छे घर का रिश्ता थोड़ी आएगा। आप किसी के लिए गड्ढा खोदिए ना तो वो इंसान छलांग लगाना सीख जाएगा, याद रखिएगा। वापस थोड़ी लौटेगा यहाँ तो, दुनिया समाज रिश्तेदार किस्मत कोई अगर आपके लिए गड्ढा खोद रही है, याद रखिएगा आपको मजबूर कर रही है कि आप छलांग लगाना सीख जाए। लो यहाँ पे गड्ढा को खोदो, गड्ढा गड्ढा खोदा तो छलांग लगा। मैं कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम अपने, तुम बहुत सीरियस हो, सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे ना, रिश्तेदार रिलेटिव नेबर सब लोगों को। एक दिन ऐसे ही सुबह उठे और पता चले 10th रैंक आई है, नाम चेक किया तुम्हारे पापा का नाम चेक किया, गांव देखा, भागे तुम्हारे घर की तरफ, और तुम कह दिए कि हम तो सिरिडिक टेम्पल में जाते थे तो फ्री में जो है वो सब क्वेश्चन मार्क दिखाई पड़ गया हमको सपने में। तो मैं युवाओं को देखता हूँ बड़े डिप्रेशन में जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करी, दूसरी बना ले। अरे कैसी बातें कर रहा हो, कैसी बातें कर रहा हो, हम उसको प्यार करते थे। तो तुम्हारे माँ बाप तुमको करते हैं ना? हाँ, प्यार करने वाले लोग हैं ना तुम्हारे पास? हाँ, सब कहे मरे जा रहे हो। तीसरी बना लो, चौथी बना लो, पांचवी बना लो। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर। अगर आप कठिनाई के नदी में उतरने से डरते हैं तो सुख का समुन्दर आपको कभी नहीं मिलने वाला है। तो यही समय है, जितना जलिएगा आपका वैल्यू। सॉफ्टवेयर में जो चल रहा है वो बंदा करेगा, आप मारोगे पीटोगे आप दिल्ली भेज दोगे, जाओ आईएस की तैयारी, वो चला आएगा, नहीं पड़ेगा, क्या कर दोगे? पैसा कमाना, नौकरी ले लेना, ये शिक्षा का उद्देश्य है ही नहीं है। जो अनपढ़ है वो भी भूखा पेट नहीं सो रहा है, और आप पढ़ के भी कोई अंबानी अडानी बहुत बड़का नौकरी लेके नहीं हो पाएंगे, वो होने के लिए फिर बिजनेस करना पड़ेगा। एक जीवन जीने, नौकरी आपको एक जीवन स्तर दे सकता है, यही ना दे सकता है, ये आपको अडानी अंबानी बना देगा, नहीं बना सकता। उसके बाद आपको बिजनेस करना है, आप कर सकते हैं, कोई मना थोड़ी किया। बिजनेस तो किसी भी, याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है।